गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर साइल का ज्ञान। आज हम बताने वाले हैं मोस्ट क्वेश्चन या बोल दो गेस्ट पेपर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला आएगा आपका आएगा यार नॉर्मली टेक्निकल कम्युनिकेशन होता क्या है। सेकंड वन क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक अवेलेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन चेंज होकर कैसे आएगा कि एक्सप्लेन मेथड्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। ये चीज़ हो गई, ओके। एंड देन आप मार्क करें क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि आप देख पा रहे हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन लाइक ओरल होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, इसी प्रकार और होती है। जैसे आज मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर, हाँ एज यू कैन सी, हाँ देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, यस एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन जनरल टेक्निकल आ गई, ठीक है, उनका डिफरेंशिएशन आ गया। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लिया आपने, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, एंड देन ये मार्क कीजिए आप तो व्हाट आर द टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिस्कस इन डिटेल, ओके। तो वो 4 होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है। ये वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत बहुत ये आएगा, ये आएगा 100%, ठीक है। वो चारों बताना पड़ता है आपको कि 100% आएगा। और अगर आपको इसमें से समझ में नहीं आता तो हमारी PDF गिवन है, आपको पूरी डिटेल पता है कैसे क्या एक्सेस लेना है। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, 29 रुपीज़ में आपको 20 PDF मिलेगी, 20 नहीं सॉरी, आपको सारी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी, और जो मोस्ट क्वेश्चन लगवा रहे हैं उसकी PDF भी मिल जाएगी, यानी कि 6, 6, 12 PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पर इन जस्ट 29 रुपीज़। और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोसेस बता दी है कैसे आपको ये क्या करना है 29 रुपीज़ से, तो मेक श्योर आप देख लेना। सो चैप्टर 2 आ गया अपना, चैप्टर 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए, मेंशन वेरियस काइंड ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के टाइप है वो सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे। एक क्वेश्चन बनता है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के 2 भी टाइप है, जो भी टाइप है वो सब यहाँ पर आ गए। चैप्टर नंबर 8 इसके अंदर ही क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन डिजाइन, इन्फॉर्मेशन डिजाइन और हायरार्किकल लेवल्स क्या होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। एक आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नोट मेकिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड मैकेनिज्म। तो ऐसा है देखो, PDF के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, इसमें भी कर रखा है कुछ हद तक, कुछ चीज़ें मिस आउट लगती है, बट आप PDF प्रीफर कीजिए, जिनों के पास एक्सेस नहीं है 29 रुपीज़ में एक्सेस ले ले। तो व्हाट इज द नोट मेकिंग एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड मैकेनिज्म हो गया आपका क्वेश्चन। देन आपका एक क्वेश्चन हो गया, एक्सीलेंट, यस ये रहा। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल, देख पा रहे हो, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो एक। चैप्टर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका पूरा ग्रामर। अब ग्रामेटिकल तो आप पढ़ते आए हो बचपन से, तो वही है, कुछ ही नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देंगे एरर और करेक्ट करना है। तो देखो PDF के अंदर हमने ग्रामर पढ़ाई है, एक एक रूल्स जितने भी आपके टॉपिक्स है ग्रामर में वो सब कवरअप किए, इनफैक्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं, एग्जाम्पल्स करवाए, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन करवाए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, क्लोजेस, सब हमने करवाया। तो मेक श्योर आप PDF के थ्रू जाके देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क कीजिए, डिस्क्राइब द टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस, ठीक है, ये वाला हो गया। एक क्वेश्चन मार्क करो, लिस्ट एनी 6 मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल एरर फाउंड इन टेक्निकल राइटिंग। और देखो यहाँ पे ईमेल हो गया, ईमेल आता है आपके, पैराग्राफ आते हैं, लेटर आता है, रिपोर्ट बनाना आता है, तो ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको आता है यार 9, 10 सब करते यार, ये चीज सेम वही है, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं चलेंगे। चैप्टर 4 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो मार्क करो, डिफाइन ए टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रपोजल, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, राइट द स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स, टेक्निकल आर्टिकल्स। डिस्कस द काइंड्स ऑफ टेक्निकल प्रपोजल्स, ड्राफ्ट द फॉर्मेट ऑफ टेक्निकल प्रपोजल्स, चार हैं, ठीक है, चारों पढ़ जाना, चारों को पढ़ लेना ढंग से। एंड यस इतने ही है, सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं, मेक श्योर आप
वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड 29 रुपीज में बहुत कम प्राइस रखिए, आप स्टूडेंट को ध्यान में रखते हो 29 रुपीज में ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले और मेंबर बने हमारे चैनल का फॉर गेटिंग मोर पीडीएफ एंड मोर एक्सेस ऑफ आर चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।